आज से टेस्ट शुरू हुआ है क्या जी? नया सेशन आज? ओ बोलन चाहिए, लेट से आए हैं तुरी। हाय है ना। हेलो 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 हेलो। चलिए आ जाइए, टेस्ट का रिजल्ट तो जाता ही है सर। बेसिक से डिस्कस करवाइएगा, बेसिक से। बेसिक क्या होता है? चलिए सर जी, क्लास में बिहार एसएससी सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए प्लीज सर जी। अच्छा ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट तो जाता है ना जी? टेलीग्राम पे तो जाता है, डेली जाता है, डेली डेली जाता है। ठीक है, डेली जाता है, एक दिन के बाद जाता है अंदर, सोमवार का, मंगलवार को, मंगलवार का, बुधवार को, ऐसे ही जाता है। हाँ जाता है, टेस्ट का रिजल्ट जाता है। सेट ना नया है सर जी, विद्यार्थी तो वही है। हाँ बात तो सही है, सेट नया है, विद्यार्थी तो। चलिए आ जाइए अब। और आपको बोल रहे हैं, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, आप ही को बोल रहे हैं, थोड़ा किताब सब कम पढ़िए आप। ठीक है, सीमित किताब पढ़िए, पांच को किताब मत पढ़िए। ठीक है, नहीं तो यही चीज़ जो है आपको ले डूबेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़िए नहीं, आप पढ़िए, लेकिन किताब सीमित पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आ जाइए। बेसिक मतलब टॉपिक को फैक्ट से लेकर अप्रोच टू क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर पढ़ाइए। अच्छा ठीक, सब चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ाइए, चिंता मत कीजिए। एकदम संतोष गुप्ता जी, एकदम पूरा आशीर्वाद है, मन से आशीर्वाद है। आप फलिए फूलिए, आगे बढ़िए, जीवन में जहाँ है वहाँ से बहुत आगे जाइए। कुछ न्यू भी है सर? हाँ कुछ ना कुछ विद्यार्थी तो न्यू होगा ही, नया सेशन प्रारंभ होता है, एगो को टॉप करना है। टॉप करना है तो हमारा टेस्ट लगाते रहिए जब तक परीक्षा होता है, सीधे टॉप कीजिएगा। आइए, अब हो गया। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा सुनिएगा। भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वह एकहरी और एकीकृत है, और इस एकहरी और एकीकृत न्यायिक प्रणाली में तीन स्तरीय न्यायिक संगठन देखने को मिलते हैं। एक आपको सुप्रीम कोर्ट, एक आपको हाई कोर्ट, और एक आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें बात की जा रही है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। अगर बात हम लोग हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की करे तो उच्च न्यायालय के विषय में विस्तार पूर्वक जो हमें जानकारी प्राप्त तो होती है वह भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231, ये जो अनुच्छेद है यही अनुच्छेद हमें हाई कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 214 यह कहता है कि
प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 के अनुरूप भारत में 28 राज्य है तो 28 हाईकोर्ट होने चाहिए, लेकिन भारत में 28 हाईकोर्ट है नहीं, बल्कि भारत में हाईकोर्ट की संख्या है 25, यानी 25 है। हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 25। तो जो अनुच्छेद 214 है, अनुच्छेद 214 में बाद के वर्षों में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। यह चीज बाद के वर्षों में अनुच्छेद 214 में जोड़ा गया है। आज के डेट में अनुच्छेद 214 में यह भी है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक हाईकोर्ट है, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम सबके लिए एक हाईकोर्ट है। तो कुछ ऐसे हाईकोर्ट है जिसका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य है। यही कारण है कि भारतवर्ष के भीतर हाईकोर्ट की कुल संख्या 28 नहीं है, बल्कि 25 है, 25 है। अब बिहार का अपना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश का अपना हाईकोर्ट है, प्रयागराज हाईकोर्ट, महाराष्ट्र का अपना हाईकोर्ट है, मुंबई हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल का अपना हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट, राजस्थान का अपना हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट है जोधपुर में है, जोधपुर में है। तो हर राज्य का अपना हाईकोर्ट है। अब हर राज्य का जो अपना हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट में एगो न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट में न्यायाधीश होता है, और हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट में एगो मुख्य न्यायाधीश होता है तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और तथा कुछ अन्य न्यायाधीश, कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, इसको लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि संविधान यह तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति यह तय करे किस राज्य के हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे। यह तय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यह तय इस आधार पर करता है कि किस राज्य में कितनी संख्या में केस है, कितनी संख्या में मुकदमा है, कितनी संख्या में मुकदमा है, कितनी संख्या में केस है। उस आधार पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा केस है, तो वहां पर यानी उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाईकोर्ट है वहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, और वहां पर न्यायाधीशों की संख्या 160, और बात अगर पूरे विश्व की करें तो पूरे विश्व के भीतर जो उत्तर प्रदेश राज्य का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे आज प्रयागराज हाईकोर्ट हम लोग कहते हैं, प्रयागराज हाईकोर्ट पूरे विश्व के भीतर सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या वाला हाईकोर्ट है। फिर आप पटना हाईकोर्ट की बात करेंगे तो यहां पर 53 न्यायाधीश है। अलग अलग राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है आपको अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। हमारा संविधान इस बात का कहीं कोई प्रावधान नहीं करता है कि हाईकोर्ट में जो है 30 न्यायाधीश होंगे, 15 न्यायाधीश होंगे, नहीं। किसी हाईकोर्ट में 3 जज है, किसी में 15 जज है, किसी में 53 जज है, किसी में 85 जज है, समझ गए। तो अगर बात संविधान की करें तो संविधान इस बात को लेकर जो है मौन है। यह अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया है। राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर आप कुछ समझे हैं तो आंसर बताइए, ए बी सी डी क्या हो, क्या होगा, सी होगा या डी? डी के पक्ष में कितने लोग हैं? डी के पक्ष में जितने लोग डी के पक्ष में है सब सही है, बादबाकी किसी भी पक्ष में है तो आप गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? डी, डी हो जाएगा उत्तर। अब यहां पर एक दो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट गठित हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुआ कर, हाँ?
सात या आठ है। मुख्य न्यायाधीश सहित आठ, मुख्य न्यायाधीश सहित आठ, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सात, और धीरे धीरे न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा हुआ। न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा कौन करता? भारत की संसद। भारत की संसद वर्तमान में कितना? 34, 34, 34 है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो। 18वीं-19वीं सदी में ब्रिटानी सरकार द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे मोदी जी, देखिए हमको तो दुइये को टैक्स नजरे आता है, एगो जीएसटी एगो इनकम टैक्स, हम तो यही दूगो भरते हैं, समझ गए। और आप ही भरम में मत रहिए कि हम नहीं भरते, भरते हैं, समझ गए। मेरा जो सीए है इतना ईमानदार है, पंजाबी है इतना ईमानदार है, वो सीधा बोलता है सर 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया आप रखिए, 40 को सरकार को दीजिए, समझ गए। नहीं तो फंसिएगा तो बाद में क्या होगा वो आप जानिएगा, समझ गए। तो मेरा सीएम जितना कमाते हैं उसका जो है 40% सरकारी को दे देता है, एक तो जीएसटी के रूप में कुछ देता है, कुछ इनकम टैक्स के रूप में देता है, हमको तो उतना समझों में नहीं आता है, काट लेता है सब पैसा वही, समझ। छोटके कोचिंग बढ़िया रहता है, समझे, कुछ होने देना पड़ता है, बड़का कोचिंग में बड़ी लोचा, जानते हैं। जितना हमको हमारे कोचिंग के विषय में पता नहीं है उतना जीएसटी विभाग के लोग को हमारे कोचिंग के विषय में पता है, समझे। तो जैसे आज के डेट में हमारे मोदी जी जीएसटी लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, लेते हैं ना, हाँ लेते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रम में ब्रिटिश द्वारा तीन प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। एक आपको अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त। और जानते हैं अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी, सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की का सूत्रपात किया गया था वही आगे चल करके अंग्रेजों ने भी अपनाया था। तो बात रैयतवाड़ी व्यवस्था की जा रही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी इसमें एक शब्द है रैयत, और जो रैयत शब्द है रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का अर्थ क्या होता है किसान। जानते हैं अंग्रेजों ने जितनी भी भू राजस्व की प्रणाली को लागू किया उन सभी में जो सबसे बेहतर था, जो सबसे बेहतर भू राजस्व की प्रणाली थी वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सबसे बेहतर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे बेहतर इसलिए थी क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था, बल्कि जो किसान होते थे, जो रैयत होते थे, वो सीधे तौर पर सरकार के राजकोष में जाकर राजस्व जमा किया करता था। तो सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, इसलिए इस व्यवस्था को सबसे बेहतर व्यवस्था माना जाता है। और देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर लागू मद्रास के बड़ा महल में किया गया था, और मद्रास के बड़ा महल में इसे लागू 1792 में किया गया था। और जब मद्रास के बड़ा महल में इसे लागू किया गया तो कैप्टन रीड के देख रेख में लागू किया गया था, और मद्रास के बड़ा महल में जब यह सफल रहा तब जाकर 1820 ईस्वी में, पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया। और मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त सही ढंग से लागू हो सके इसको लेकर 1820 ईस्वी में
मद्रास का गवर्नर टॉमस मुंड्रो को बनाया गया और टॉमस मुंड्रो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर बने रहे। और ये मद्रास के गवर्नर इसलिए बने रहे ताकि रैयतबारी व्यवस्था को पूरे मद्रास के भीतर बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। और जब रैयतबारी व्यवस्था मद्रास में सफल हो गया तब महाराष्ट्र के क्षेत्र में और तथा बाद में जाकर के पूरे दक्षिण भारत में, बाद में जाकर के जो है पूरे दक्षिण भारत में रैयतबारी बंदोबस्त को लागू किया गया। और रैयतबारी बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर, संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर जो है रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। अब रैयतबारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो कर की दर हुआ करती थी, जो कर की दर हुआ करती थी, अगर आप दृष्टि क्विक बुक पढ़ेंगे तो वह लिखता है कर की दर उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था। लेकिन वहीं पर अगर आप एसके पांडे पढ़ेंगे तो एसके पांडे लिखता है कर की दर उत्पादन का 1/2 भाग हुआ करता था। और हम क्वेश्चन सेट किए हैं एसके पांडे से, किससे सेट किए, एसके पांडे से सेट किए हैं, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन आपके बीच एक कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा इलाका था जो काफी उपजाऊ था, जो काफी उपजाऊ इलाका था वहां पर भू राजस्व की दर उत्पादन का 1/2 भाग हुआ करता था। और कुछ ऐसा इलाका था जो कम उपजाऊ था वहां उत्पादन का दर 1/3 भाग हुआ करता था। तो एसके पांडे भी अपने जगह पर सही है और जो है आपको एसके और दृष्टि भी जो है आपको अपने जगह पर सही है, दोनों अपने जगह पर सही है। लेकिन आप जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप बीपीएससी के बाद जो है आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस टाइप का जो परीक्षा का तैयारी करते हैं उसमें जो है हमको लगता है आपको दोनों बात स्पष्ट रखना चाहिए। दोनों बात स्पष्ट रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा। तो यहां पर एसके पांडे के अकॉर्डिंग हम 1/2 यानी 50% तक भू राजस्व की दर हुआ करती थी, एसके पांडे के अनुसार हम इसको सही मान करके चलेंगे। लेकिन जब आप दृष्टि जाकर के पढ़ेंगे तो 1/3 वहां पर लिखा होगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे बल्कि आप ये सोच लेंगे कि वैसा भूभाग जो उपजाऊ था वहां पर 1/2 और जो भूभाग कम उपजाऊ था वहां पर 1/3, वहां पर 1/3, तो दोनों अपने आप में सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए अब आइए, पहला सही या गलत, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर, 1/3 और 1/3 और। यहां पर एक बात बताइए, जो अपना देश भारत है ब्रिटिश काल में भारत के 51% भूभाग पर रैयतबारी, 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त और 30% भूभाग पर महलबारी बंदोबस्त लागू था। महलबारी बंदोबस्त उत्तर भारत में, रैयतबारी बंदोबस्त दक्षिण भारत में और अस्थाई बंदोबस्त पूर्वी भारत में, अस्थाई बंदोबस्त पूर्वी भारत में। जब तीनों को आप जोड़ेंगे 19, 30, 51 को जोड़ेंगे तो आपको 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो बताइएगा, हो रैयतबारी कितना पर, अरे बोलिए नो, अस्थाई बंदोबस्त आए, महलबारी क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, अस्थाई बंदोबस्त भारत के कौन भाग, पूर्वी भारत, कहां पर, महलबारी उत्तरी भारत, महलबारी और रैयतबारी दक्षिणी भारत ना। चलिए यहां पर लॉन्ग यहां पर जो है हांगकांग होगा, समझ गए, हांगकांग, लॉन्ग कोई देश है जी, हांगकांग। चलिए अब आ जाइए, सही कर लिए, अब आ जाइए आगे, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, घाटियां और देश। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, पंचशीर घाटी बिहार के भीतर कई सारा परीक्षा हुआ है जिसमें पंचशीर घाटी के विषय में पूछा गया है, जिसमें पंचशीर घाटी के विषय में पूछा गया है, उस आधार पर ही ये क्वेश्चन सेट किया गया है।
अलग अलग घाटियां है और अलग अलग घाटियां जो है विश्व के अलग अलग देश में है। इसमें शिकारी घाटी, शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, कहां है ऑस्ट्रेलिया। हैप्पी घाटी हांगकांग में है। पंसीर घाटी अफगानिस्तान में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, कहां है पाकिस्तान में। अब इसमें घाटी है फलना देश में है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। सीधा तौर पर आपको याद रखना होगा, मिला लीजिए क्या होगा उत्तर, बी होगा। हाँ तो याद रख लीजिएगा, बी और सी सेम ऑप्शन है। देखिए एक बात बताते हैं, अगर आपके मेन परीक्षा में ऐसा हो, कोई प्रश्न है उसका उत्तर दो है, पहले वाले को प्रीफर करेंगे वही सही माना जाता है, बोर्ड पहले वाले को ही प्रीफर करके जो है सही मानता है। खैर यहां पर हमसे तो मिस्टेक हुआ है, समझ गए, हम दिए थे दूसरा, लेकिन अब क्या कीजिएगा, टाइपिस्टो अपने दिमाग लगाता है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। देखिए आपको राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, इसके विषय में जानकारी हम लोगों को मिलती है भारतीय संविधान के भाग 14 से, भारतीय संविधान के भाग 14 से राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तथा संघ लोक सेवा आयोग के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए आपको एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। ए टोपी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है जा रहे हैं, मत जाइए, रुक जाइए, पानी पीने जा रहे हैं, आइएगा ना फिर, हाँ आइएगा, आपके बिना मेरा मन लगेगा, बताइए। जानते हैं ऐसे बोलते हैं ना, क्लास में भी हम ऐसे बोलते हैं, तो लड़का तो ठीक है, लड़का तो सोच लेता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लड़की सच में सीरियसली ले लेती, तो मतलब सीरियसली लेने का नहीं है। चलिए आप आगे आइए, अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब हम 7 साल, समझिएगा 7 साल के बाद घर गए थे, जब हम 7 साल अपने माँ बाप के बिना रह सकते हैं तो हम किसी के बिना रह सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग, देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 315 कहता है कि केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग की भी चर्चा अनुच्छेद 315 ही करता है और राज्य लोक सेवा आयोग की भी चर्चा अनुच्छेद 315 ही करता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 316। बात अगर अनुच्छेद 316 की करे तो अनुच्छेद 316 दो बात की जानकारी हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 316 एक जानकारी हमें यह प्रदान करता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये दो बात की जानकारी अनुच्छेद 316 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 316 हमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष और सदस्य, अनुच्छेद 316 हमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के भी विषय में जानकारी प्रदान करता है और 316 हमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। अब दो प्रकार की जानकारी प्रदान करता है अनुच्छेद 316, एक तो इन लोगों के नियुक्ति
से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, दूसरा कार्यकाल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। साथ ही साथ यहां पर भी नियुक्ति से संबंधित जानकारी प्रदान करता है और कार्यकाल से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इन लोगों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इन लोगों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये लोग अपने पद को छोड़ते हैं। फिर अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इन लोगों की नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करता है और इन लोगों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है उस अनुसार जो है ये सब लोग अपने पद को छोड़ते हैं इतना पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, क्या ए होगा? जितने भी लोग ए के पक्ष में हैं सभी का आंसर सही है, बाद बाकी अगर आप बी सी डी के पक्ष में हैं तो आपका आंसर गलत है। चलिए यहां पर जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। कितना वर्ष? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल होता है 5। अनुच्छेद 156 को जाकर के पढ़िए। ऐसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता है वो अलग बात है, लेकिन संविधान कहता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का, अनुच्छेद 156। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल होता है? नहीं, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर तब तक रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। हमारे मोदी जी को लगभग पिछले 9 वर्ष से लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो हमारे मोदी जी पिछले 9 वर्ष से प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहता है जब तक कि उसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। हमारे नीतीश जी को देख लीजिए, 2005 से लेकर आज तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। नीतीश जी जो है 2005 से लेकर आज तक बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, समझ गए? तो ये चीज है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता, ये बात है। अब इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। उनके रिटायरमेंट का एज होता है, सेवानिवृत्ति की आयु होती है, उनके सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात रिटायरमेंट का एज 65 वर्ष होता है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति का आयु 62 वर्ष। क्या होता है? इसके बाद एक महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल होता है? नहीं होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर रहता है। फिर इसके बाद कैग होता है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये भारत के कुछ प्रमुख पदाधिकारी थे जिसके कार्यकाल से हम आपको अवगत करवा दिए हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बीपीएससी पूछा है, एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए तब पर भी ठीक है, नहीं जवाब दीजिएगा तो हम तो है ये है, हम काहे 200 रुपया काहे लिए जवाब देने के लिए। चलिए तो जो है आप एक बात बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटाता? राज्यपाल या राष्ट्रपति? जो लोग राष्ट्रपति बोल रहे हैं सही है और जो राज्यपाल बोल रहे हैं गलत है। आप ध्यान में रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता है लेकिन उसको पद से हटाता है राष्ट्रपति। पद से कौन हटाता है? हाँ जी हाँ, एक प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग, उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है, सेम प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा। हाय हे भगवान, बताइए, आप तो बेच में न पढ़ते हैं, एकदम संस्कार न है, उठ करके न पूछना चाहिए।
हाँ? कौन आयोग का अध्यक्ष? नहीं, उन्हें ग्रहण कर सकता है, ठीक है, उन्हें ग्रहण कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइएगा। लॉर्ड लिटन द्वारा लागू की गई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस राष्ट्रवादी नेता ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा? आकाश से गिरने वाला बिजली या वज्रपात, अगर आप पे गिरेगा ना तो आपका राम नाम सत्य, आप खत्म। ये बात जानते हैं ना? अब क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ, उस सिपाही विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, अर्थात भारत के लोगों में भारतीय होने का एहसास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ मतलब भारत के लोगों में भारतीय होने का एहसास हुआ। तब फिर भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने पत्र पत्रिका भारतीय भाषा में निकालकर भारतीय लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के नेताओं ने भारतीय भाषा में अर्थात हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, इन भाषाओं में समाचार पत्र निकालकर भारत के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। अब भारत के लोग जागरूक होने लगे, भारतीय भाषा में जब समाचार पत्र छपने लगा तो भारत के लोग उसको पढ़ के समझने लगा, और भारत के लोगों के दिमाग में यह बात धीरे धीरे आने लगा था कि जो है अंग्रेज हम लोगों का शोषण कर रही है, अंग्रेज हम लोगों का शोषण कर रही है, यह बात धीरे धीरे भारत के लोगों के जेहन में बैठ रहा था। लेकिन अंग्रेज यह चाहता था कि भारतीय उसे एक शोषणकारी के तौर पर याद ना रखे, बल्कि भारत के लोग अंग्रेजों को एक उद्धारक के तौर पर याद रखें। अब भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र में एक ईश्वरचंद विद्यासागर का समाचार पत्र था, हे क्या हुआ उधर, काहे लड़ रहे हैं आप लोग हो, हे क्या हुआ जी, लड़ रहा है, हे आप लोग बैठिए ना, वाह महाराज आप लोग तो अजीब करते, क्या है रोशन सिंह, आइए आइए, क्या हुआ क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है ना, हाँ ठीक है, लड़ने मत दीजिए, बताइए वह महाराज, आपस में आप लोग भाई भाई हैं समझे, आपस में लड़ते हैं तब अंग्रेज सब घुस जाता है कि आजो ना समझाएं बेच में, तब बताइए आपस में बैठ करके पढ़ते हैं और लड़ते हैं, अरे क्या होगा थोड़ा मैनेज कीजिए महाराज, है क्या बोले, लिंके तोड़ दिया, बताइए। हाँ देखिए, हाँ ईश्वरचंद विद्यासागर का एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, जो बंगाली भाषा में छपता था, और वो जो सोम प्रकाश था ना वो लोगों को कुछ ज्यादा ही जागरूक कर रहा था, तो विशेष तौर पर सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। लेकिन अब सीधा कहता कि हम सोम प्रकाश को ही बंद करने के लिए लाए हैं तो फिर सही नहीं रहता, इसी वजह से अंग्रेजों ने जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया तो अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हुए यह घोषणा किया कि इस एक्ट के तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा हिंदी, हिंदी के बाद पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, इन भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया गया। यही कारण है कि इस एक्ट को भारतीय समाचार पत्र के मुंह को बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, और अलग अलग विद्वानों ने
इस एक्ट की आलोचना की है, और इस एक्ट की आलोचना करते हुए एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एक्ट की तुलना आकाश से गिरने वाले वज्रपात से की है। इस एक्ट की तुलना आकाश से गिरने वाले वज्रपात से की है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एसएन बनर्जी। एसएन बनर्जी चलिए पाकिस्तान कुछ भी है तो भारत का पड़ोसी है, भारत से विभाजित होकर के बना है। और जानते हैं एक बात बता, जितने भी लोग बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, एक सलाह देना चाहते हैं, जो भी लोग मेंस देने जा रहे हैं, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके विषय में आप पढ़ लीजिएगा, निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा, आपको मिल जाएगा भारत के पड़ोसी राष्ट्र से क्वेश्चन। और भारत के पड़ोसी राष्ट्र को पढ़ने के लिए आपको भारतीय भवन का बुक पढ़ना चाहिए, हमको लगता है 9th और 10th का बुक पढ़ना चाहिए, भूगोल का 9th और 10th का बुक पढ़िएगा, उसमें भारत के पड़ोसी राष्ट्र से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये चीज उनके लिए फायदा करेगा जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे आइएगा, पाकिस्तान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत का झड़िया हो गया कोयला के लिए प्रसिद्ध, हाँ या ना है। उसी प्रकार से अगर बात हम लोग पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान का जो कोयटा क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो कोयटा क्षेत्र है, पाकिस्तान का कोयटा क्षेत्र जो है आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको जो सुई और मियाल क्षेत्र है ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, और पाकिस्तान के भीतर जो सुई और मियाल क्षेत्र है ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। और जो साल्ट रेंज है, अगर बात हम लोग साल्ट रेंज की करें तो साल्ट रेंज भी पाकिस्तान में ही है, और यह सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर, यह जो है साल्ट रेंज, सेंधा नमक जिप्सम और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर जो जैकोबाबाद है ना, गर्म स्थल है, विश्व के प्रमुख गर्म स्थलों में से एक प्रमुख गर्म स्थल जो है आपको जैकोबाबाद है, पाकिस्तान में ही है, समझ गए। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट अगला है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे क्षेत्रीय परिषद का नाम आपने सुना है, आपने सुना हो, निश्चित तौर पर आप सुने होंगे। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में हुआ, उसी प्रकार से पूर्वोत्तर परिषद का गठन हुआ, और पूर्वोत्तर परिषद का गठन करने को लेकर पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम लाया गया, और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में लाया गया जिसके तहत पूर्वोत्तर परिषद का गठन हुआ। पूर्वोत्तर परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 8 है, पूर्वोत्तर परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 8 है, 7 सिस्टर और सिक्किम। 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हो गए, और 7 राज्य के साथ साथ सिक्किम, ये सभी पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत शामिल होते हैं। और देखिए जो काम क्षेत्रीय परिषद का है लगभग वही काम पूर्वोत्तर परिषद का भी है, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद का काम क्षेत्रीय परिषद से थोड़ा आगे बढ़कर भी है। जो पूर्वोत्तर परिषद है क्षेत्रीय परिषद के अकॉर्डिंग तो काम करता ही करता है, क्षेत्रीय परिषद का जो काम है वो तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर परिषद है, जो पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय मुद्दा होते हैं उस क्षेत्रीय मुद्दा को भी सुलझाने का काम, उस क्षेत्रीय मुद्दा पर भी विचार विमर्श करने का काम पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा किया जाता है, समझ गए। तो अब आइएगा बताइएगा, पहला सही या गलत, दूसरा, तीसरा, आंसर डी। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर किसने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे,
समान समान ने सम्मान होगा यहां पर, सम्मान सम्मान होगा। समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु CFNDU। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा भाई जी लोग, आपको आपको वर्ष 1919 मार्च 1919। अरे सुनिए ना महाराज, बात आइए ना, आप ही लोग डिस्कशन करवाइए, हम सुनते हैं। चलिए 13 अप्रैल पर ही सीधा आ जाए कि थोड़ा बैक जाए। देखिए 19 मार्च 1919 को भारतवर्ष में एक कानून लागू हुआ जिसे रोलेक्ट एक्ट कानून कहा जाता है। भारतवर्ष में 19 मार्च 1919 को जो रोलेक्ट एक्ट कानून लागू हुआ, इस रोलेक्ट एक्ट कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए कम से कम 2 वर्ष की सजा तक सुनाई जा सकती थी। यह जो रोलेक्ट एक्ट कानून था, यह कानून भारतीयों के आवाज को बंद करने के लिए लाया गया था। इस रोलेक्ट एक्ट कानून के खिलाफ में ही महात्मा गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह का आयोजन किया। रोलेक्ट सत्याग्रह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था पंजाब का अमृतसर, और पंजाब के अमृतसर में रोलेक्ट सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किजलू कर रहे थे, जिस वजह से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया गया था, और उस शांतिपूर्वक जनसभा के ऊपर ही ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने ओ डायर के आदेश पर आर डायर जलियांवाला बाग पहुंचा और अंधाधुन फायरिंग किया, और उस अंधाधुन फायरिंग में सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। और यह जो कांड है, इस कांड को ही इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक युग परिवर्तनकारी कार्य किया। क्या युग परिवर्तनकारी कार्य किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के लोगों के मन से अंग्रेजों के भय को समाप्त कर दिया, और फिर भारत के लोग खुले तौर पर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इससे भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ने इसकी भर्त्सना की, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना करते हुए ही रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह स्टेटमेंट दिया कि समय आ गया है कि अंग्रेजों के द्वारा दिए गए उपाधि तथा उसके सम्मान को लौटाकर देश के लोगों के साथ खड़ा होने का समय है ये। और यह कहते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, और फिर देश के लोगों के साथ वे खड़े हो गए। बिहार दरोगा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा है इस क्वेश्चन को, 3 बार बिहार दरोगा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस लौटा दी, फिर किसने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, किसने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन 3 बार पूछा है, आंसर रवीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया, आंसर रवीन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ होना चाहिए। फिर आपको
सीएफ एंड्यूज, बात अगर सीएफ एंड्यूज की करे तो सीएफ एंड्यूज ने जल्लियांवाला बाग हत्याकांड पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि यह जानबूझकर की गई हत्याकांड है, यह जानबूझकर की गई हत्याकांड है। समझ गए? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर बताइए। अब आंसर देख लिए होंगे तब तो कोई बात नहीं, क्या होगा? चलिए आइए, ये परियोजना दिए हैं पेरियार से, पेरियार का भूगोल आता है वहीं से दिए हैं, नया नया है, ठीक है, समझ गए? हाँ, अधोलिखित में कौन एक सुमेलित है? सबरीगिरी परियोजना मदिरा पूजा नदी पर है? नहीं, गलत है। देखिए जो सबरीगिरी परियोजना है, देखिए हम तो बुको बता देते कौन बुक से दिए हैं, जो क्वेश्चन सेट हो रहा है अभी हिस्ट्री में पूरा दे रहे हैं एसके पांडे से, समझे? पूरा ज्योग्राफी में दे रहे हैं पेरियार और दृष्टि क्विक बुक से, और पॉलिटी में तो एम लक्ष्मीकांत, समझिएगा उससे बेहतर तो कोई बुक है ये नहीं है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है ये सब। लेकिन एसके पांडे में भी बहुत इरर है, बहुत इरर है, इरर को आप नहीं छांट पाइएगा, हम इरर छांट छांट के देते हैं, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, समझ गए? लेकिन डाटा का बाप है वो बुक, समझ गए? डाटा का, डाटा बहुत है, डाटा ही भरल भरा पड़ा है, समझ गए? हाँ, एसके पांडे डाटा भरा पड़ा है उस बुक में। सबरीगिरी परियोजना मदिरा पूजा नदी, नहीं, सबरीगिरी परियोजना केरल में है और केरल में यह पंबा नदी पर है, केरल में यह पंबा नदी पर है, कौन नदी पर? पंबा नदी, पंबा नदी। पल्ली सवाल परियोजना पंबा नदी, नहीं, जो पल्ली सवाल परियोजना है यह भी केरल में है और ये केरल में जो है मदिरा पूजा नदी पर है, कौन नदी पर है? मदिरा पूजा। मदिरा पूजा नदी पर है। बाली मेला परियोजना सिलेरो दी नदी, हाँ सही है, बाली मेला परियोजना जो है ओडिशा में है, कहाँ है? ओडिशा में, और ओडिशा में ये सिलेरो दी नदी पर है, सही है ये। पापनासम परियोजना मंजरा नदी, नहीं, पापनासम परियोजना जो है मंजरा नदी पर नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु राज्य में ये ताम्रपर्णी नदी के तट पर है, ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी के तट पर है, ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। तो कौन सुमेलित है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस राज्य में है? देखिए सबसे अधिक नगर निगम की संख्या जो है महाराष्ट्र में है, 23, कितना? 23 महाराष्ट्र में है। बिहार में कितना है पता है? 19। चलिए आगे आइए, नीचे दिए गए उस महान व्यक्तित्व की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिशों के अत्याचारी एवं दमनकारी नीति के कारण विरोध स्वरूप वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। एचपी मोदी, राजभक्त, एमएस सैनी, एनआर सरकार, उपर्युक्त सभी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए आप सब लोग जानते हैं, अरे बैठे हुए हैं ना जी, आप खड़ा कहाँ है महाराज, बैठिए ना, कितना देर खड़ा रहिएगा, बैठिए, ऐसे भी झारखंडी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ, क्रिप्स मिशन योजना की असफलता ने ही भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया,
क्रिप्स मिशन योजना की असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन हुए। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही इसको दबाने का प्रयास अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और अंग्रेजी गवर्नमेंट ने 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का कोई राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता नहीं था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। लेकिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने जो 1.5 घंटा का भाषण दिया था, कांग्रेसी लोगों को मोटिवेट किया था, वो काम आया और लोकल स्तर के लीडरशिप ने भारत छोड़ो आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया और भारत छोड़ो आंदोलन काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के साथ जैती की जाती थी, भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ जो जैती की जाती थी, इसको लेकर हमारे गांधी जी ने फरवरी 1943 में आमरण अनशन किया। लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों के साथ जो जैती की जाती थी वह बंद नहीं हुआ। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल क्या कहा जानते हैं? विंस्टन चर्चिल कहा कि हम विश्व में किसी भी देश के सामने घुटना नहीं टेके हैं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1945, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 के आसपास में ब्रिटेन का जीत होना प्रारंभ हो गया था हर जगह। तो विंस्टन चर्चिल का मन बढ़ गया। विंस्टन चर्चिल कहा कि हम जब विश्व के किसी अन्य देशों के साथ घुटना नहीं टेके हैं तो ये जो कमबख्त बूढ़ा है, गांधी जी को कमबख्त बूढ़ा विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कमबख्त बूढ़ा कहते हुए यह कहा कि हम इस कमबख्त बूढ़ा के सामने घुटना टेकने वाले नहीं हैं, यह बूढ़ा मर जाएगा, इसको चंदन के लकड़ी पर दफना देंगे, लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जो जैती की जा रही है वह की जाती रहेगी। और वह की जाती रही। जब गांधी जी के आमरण अनशन का विंस्टन चर्चिल पर तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ब्रिटिश वायसराय जो कार्यकारिणी परिषद के 15 सदस्यों के माध्यम से पूरे देश के भीतर शासन प्रशासन चलाता था, उस कार्यकारिणी परिषद में कुछ भारत के भी लोग थे। तो भारत के लोगों ने यह तय किया कि कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे देते हैं, तब जाकर के जो है दबाव बनेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और फिर आंदोलनकारियों के साथ जैती नहीं की जाएगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ जैती ना की जाए, इस प्रकार का प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बिल्डअप करने के लिए ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में से एचपी मोदी, राजभक्त, एमएस एनी, एनआर सरकार, सभी ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी। चलिए यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कमबख्त बूढ़ा कहा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कमबख्त बूढ़ा कहा। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कमबख्त बूढ़ा कहा, कमबख्त बूढ़ा कहा, कमबख्त बूढ़ा कहा, कमबख्त बूढ़ा कहा, फुल स्टॉप। आगे आगे एक और पॉइंट,
ये स्टेटमेंट है, लिखाना जरूरी है, लेकिन इसको कैसे लिखाएं? लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नीचे से लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल ने यह कहा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जहां एक तरफ पूरे विश्व में ब्रिटेन का पताका लहरा रहा है, पटाखा लहरा रहा है वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के समक्ष झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बड़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के भावार्थ को आप समझ रहे हैं? अब इसको अलग लैंग्वेज में जाकर के पूछेगा तो आप अपना भावार्थ को समझिए, समझ गए? लैंग्वेज अब कुछ भी रहेगा तो मार देना चाहिए आपको, आंसर टिक कर देना चाहिए। चलिए आगे आइएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन गलत है? ब्राजील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर सही है। अब कहिएगा कैसे सही है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है, हाँ या ना? अटलांटिक महासागर का जो ऊपरी हिस्सा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और जो निचला हिस्सा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब ब्राजील की धारा, साउथ अमेरिका में टोटल 13 गो देश, 13 देश, और 13 देश में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। और ब्राजील देश यहां है ब्राजील देश, समझ गए? और जो ब्राजील है, ब्राजील के तट से होकर एक जलधारा गुजरती है ब्राजील के तट पर, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं। और ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है, जो कि आप देख सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर का इलाका है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का इलाका है। तो ब्राजील की धारा, ब्राजील के तट पर चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। तो इस प्रकार जो ये है ये क्या है, आपको सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जब मानचित्र पर आएंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस एरिया में आएंगे तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का ऊपरी हिस्सा उत्तरी प्रशांत महासागर और निचली हिस्सा दक्षिणी प्रशांत महासागर। जो हम्बोल्ट या पेरू की धारा है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा साउथ अमेरिका महादेश के पश्चिमी तट पर यहां पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। हम्बोल्ट की धारा साउथ अमेरिका महादेश के पश्चिमी तट पर चलने वाली एक ठंडी जलधारा है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन अर्थात
दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। फिर गल्फ स्ट्रीम धारा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर मेक्सिको की खाड़ी है। इस मेक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। और सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। सबसे तेज गति से चलने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम धारा है। गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म। अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हिंद महासागर है और हिंद महासागर में जो है मेडागास्कर द्वीप के दक्षिणी भाग में अगुलहास की धारा चलती है। देखिए क्या होता है, जानते हैं, हिंद महासागर में जो है एक धारा चलती है दक्षिणी विषुवतीय धारा। आगे आकर के दो भागों में बट जाती है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा। ये मेडागास्कर की धारा है, ये मोजाम्बिक की धारा है। मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा जब आपस में मिल जाती है तो यही धारा अगुलहास की धारा कहलाती है। और अगुलहास की धारा हिंद महासागर की जो है एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म। आंसर बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार कितने रुपया की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप चुनाव लड़ते हैं ना, तो कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो आपको कुछ राशि जमा करना होता है। वार्ड सदस्य से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव जो आप लड़ते हैं, जैसे अगर आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं तो 500 रुपया, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 25,000 रुपया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं 15,000 रुपया, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं 15,000 रुपया। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया होती है, तो आंसर 15,000 हो जाएगा। अब आप ये बात सुनते होंगे कि फलना का तो जमानत का राशि जब्त हो गया, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी जब चुनाव होता है तो चुनाव में मतदान होता है, मतदान के बाद मतगणना होती है। मतगणना में यह देखा जाता है कि उम्मीदवार ने कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग हासिल किया है या नहीं किया है। अगर चुनाव में उम्मीदवार ने कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग हासिल किया है और अगर वह चुनाव हार भी गया है तो उसके द्वारा जमा किया गया जो राशि होता है वह वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर 1/6 भाग हासिल नहीं करता है तो राशि जब्त कर ली जाती है और यह माना जाता है कि जमानत की राशि जब्त हो गई। और देखिए एक बात कॉमन है, वार्ड सदस्य के चुनाव से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक, कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग हासिल करना होता है। अगर 1/6 भाग आपने हासिल नहीं किया है तो आपकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। कोई भी चुनाव में, मुखिया का चुनाव, एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, जमानत जब्त होगा जब आप कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं करेंगे तब। सर्वप्रथम उत्तरदायी पूर्ण सरकार की बात की गई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो है, हाँ, आपको जो है आप याद कीजिए, वर्ष 1916 भारतीय इतिहास में ऐसे तो कई कारणों से याद किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। और वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज। अब देखिए, एनी बेसेंट के स्वराज का अलग अर्थ है, तिलक के स्वराज का अलग अर्थ है, गांधी जी के स्वराज का अलग अर्थ है। 1916 के होम रूल लीग के स्वराज का लक्ष्य
पूर्णतः ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना नहीं था, पूर्णतः भारत से ब्रिटिश शासन को बाहर करना नहीं था, बल्कि उसके स्वराज्य का लक्ष्य था कि भारत अगर है तो भारत में भारतीयों का शासन हो, ब्रिटिश अपना भारत में व्यापार करे, ब्रिटिश भी भारत में रहे लेकिन शासन भारत के लोग करे। अब स्वराज स्वराज होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से, होम रूल लीग आंदोलन के आंदोलनकारी चिल्ला रहे थे, तो होम रूल लीग के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने के लिए अगस्त 1917 में एक घोषणा आई। यह घोषणा भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया। लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा जो अगस्त 1917 में घोषणा की गई है उसी को अगस्त घोषणा या उसी को मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है। और पहली बार मॉन्टेग्यू घोषणा में ही यह कहा गया, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगी। और जैसे ही यह घोषणा आई और इस घोषणा में कह दिया गया कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेगी, तो फिर एनी बेसेंट ने अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। और जब एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली तो होम रूल लीग आंदोलन कमजोर पड़ गया। और अंग्रेज का उद्देश्य ही यही था कि होम रूल लीग आंदोलन जो काफी शक्तिशाली आंदोलन बनकर उभर रहा है उसको समाप्त करना, उसमें फूट डालना, और उसमें अंग्रेज कामयाब भी हो गया। और फिर इसी मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा को अस्वीकार कर दिया और नरम दल के नेताओं ने स्वीकार किया, नरम दल के नेताओं ने स्वीकार किया। यह बात है तो आंसर हो जाएगा इसका मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा। यहां पर एक बात से भाई जी लोग हम आपको अवगत करवाएंगे, यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। देखिए एगो अगस्त घोषणा होता है, एगो अगस्त प्रस्ताव होता है और एगो अगस्त संकल्प होता है। तीनों अलग अलग चीज है और तीनों का संबंध अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग पर्सनैलिटीज से है, अर्थात अलग अलग व्यक्तित्व से है। अगस्त घोषणा 1917 में आया है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया है, लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा किया गया, लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा किया गया है। और अगस्त संकल्प 1942 में आया है, यह संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। तो तीनों अलग अलग चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉपी बनाइए, कॉपी बनाइए टेस्ट का एगो, आप लोग क्या उसमें बताइए, सुंदरो चीज को आप लोग गड़बड़ कर देते भ महाराज, बताइए आप ही के मुंह पर दाना है, ठीक लगता है नहीं ठीक लगता है, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, तब उस पे जो है क्या कर रहे हैं आप, साफ सुथरा रहिए कम से कम महाराज। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में एल्युमिनियम संयंत्र है, सूची दो में राज्य है, कौन सा एल्युमिनियम संयंत्र किस राज्य में है? अलूपुरम केरल में है, अगुल ओडिशा में है, बेलगाम कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। दो तीन चार एक, आंसर बी होगा, क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का संबंध पंचायती राज से नहीं है? बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका तो पंचायती राज से है ना जी, है। इसी कमेटी को तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है।
इस कमिटी का गठन 1957 में हुआ था और इस कमिटी ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया। इसका संबंध तो है तारापोर समिति। बात अगर तारापोर समिति की जाए तो जो तारापोर समिति है इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है बल्कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता। अब क्या होता है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, हमको समझ में नहीं आता है, इकोनॉमिक्स वाले सर से पूछ लीजिएगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ है और जो है अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सिफारिश किया था तथा अशोक मेहता कमेटी ने ही यह भी सिफारिश किया था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव में भाग लेना चाहिए। यह भी सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने ही किया था। जी वी के राव कमेटी, इसका गठन 1985 में हुआ था, इसका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो किसका संबंध नहीं है, तारापोर समिति, तारापोर समिति आंसर बी। अच्छा एक बात बताइए, जवाब दीजिएगा नहीं तो हम तो है ये। अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था तो देश का प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था तो मोरारजी देसाई। जी वी के रॉ कमेटी राजीव गांधी, बलवंत राय मेहता कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संगत, समझ गए, संगत, संगत का बड़ी असर पड़ता है। आप जिस प्रकार के लोगों के संगत में रहेंगे आप उस प्रकार के बन जाएंगे। दारूबाज के साथ रहेंगे तो दारूबाज बन जाएंगे, पढ़ने वाले के साथ रहेंगे तो पढ़ने वाले बन जाएंगे, पढ़ाकू बन जाएंगे। तो इसलिए पढ़ने वाले लोगों के साथ रहने का प्रयास कीजिए। आप देखिए, अगर बात भारत की जाए तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य हमेशा जनता के कल्याण को लेकर बात करता था। चाणक्य की जो नीति है वह कल्याणकारी नीति है और चाणक्य के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य बन पाया था। चाणक्य का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य पर पूरी तरीका से देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखी थी चाणक्य के मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान, इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में अकाल पड़ गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के पूर्वी भाग में अकाल पड़ा था, बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा था। और जब बंगाल के क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया कि अकाल पीड़ितों को मदद कीजिए और चाणक्य की प्रेरणा से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल पीड़ितों को मदद किया, जिसका वर्णन महास्थान अभिलेख में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में जो महास्थान अभिलेख है वह बांग्लादेश में है। कहां पर है, बांग्लादेश में। तो आंसर हो जाएगा महास्थान अभिलेख। देखिए ये एकदम नया पहाड़ी है, समझ गए, पहाड़ी और भारतीय राज्य अवस्थिति याद रख लीजिएगा। बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में, हाँ भागलपुर में, हाँ बिहार में है। बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में, चीन श्रृंखला है मणिपुर में, धोसी पहाड़ी है हरियाणा में, याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 3421। सी होगा, बी भी होगा, अभी सी भी होगा, बी और सी दोनों हो सकता है, जो भी मारे हैं सही है, एक बार याद कर लीजिए। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है जी, बटेश्वर पहाड़ी बिलारी, बिलारी चीन श्रृंखला, चीन श्रृंखला, दोषी, दोषी
चलिए आगे। भारतीय संसदीय व्यवस्था तथा ब्रिटेन से लिया गया, सॉरी भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया, हाँ फिर भी भारतीय संसद तथा ब्रिटिश संसद में कुछ अंतर है, हाँ है। इस संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन से लिया गया है। तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली है और जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, दोनों में कुछ समानता भी है, दोनों में कुछ अंतर भी है। क्या समानता है, क्या अंतर है, उसी संदर्भ में जो है आपको प्रश्न है, तो आइएगा। पहला, भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है परंतु ब्रिटेन में राज्य का मुखिया आनुवांशिक होता है। सही है, कहिएगा कैसे सही है। देखिए भारत में राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत में जो राज्य का मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, अर्थात भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होता है वह सम्राट होता है या रानी होती है। तो ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होता है वह सम्राट या रानी होती है, और जो सम्राट या रानी होती है वह आपको अनुवांशिक होता है, वह आपको अनुवांशिक होता है, सम्राट या रानी का कोई चुनाव नहीं होता है। तो मतलब यह सही आया गलत? ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, हाँ सही है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है लेकिन भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च है, इसलिए यह भी क्या है, सही सही है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है जबकि भारत में ऐसा नहीं है, हाँ सही है। ब्रिटेन में कानूनी जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी क्यों होती है पता है? इसलिए होती है क्योंकि ब्रिटेन में मंत्री वही बन सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य है, जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य नहीं है वो नहीं बन सकता है। लेकिन भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में तो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, कोई भी सदन का सदस्य बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, इसलिए सही है। ब्रिटेन में कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री बन सकता है परंतु भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, गलत है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे समझिएगा आप इस चीज को पहले, फिर इस स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, हाँ या ना, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। भारत के लोकसभा की तुलना हाउस ऑफ कॉमन से, भारत के राज्यसभा की तुलना हाउस ऑफ लॉर्ड से की जाती है। देखिए भारत में प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी है तब पर भी आप भारत में प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं, हाँ या ना, हाँ, लेकिन 6 माह तक, लेकिन परंतु बन सकता है ना जी, हाँ बन सकता है। दूसरी बात, भारत में प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, लोकसभा या, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है तो आपको हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना होगा। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य हैं तभी आप ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं। ब्रिटेन में 6 माह वाली व्यवस्था न है कि पहले प्रधानमंत्री बन जाइए, 6 महीना के बाद हाउस ऑफ कॉमन का सदस्यता ले लीजिएगा, नहीं। ब्रिटेन में है पहले आप हाउस ऑफ कॉमन की सदस्यता लीजिए और उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री या वहां के मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज आप शामिल, कुछ समझ में आया? तो अब बताइएगा, ब्रिटेन में कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। परंतु भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, भारत में है ना जी, भारत में तो है ये है, जबकि कह रहा है यहां पर नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत आंसर हो जाएगा। 1, 2 और सत्य है, 1, 2 और 3। हाँ हाँ होता है, हाँ पता नहीं, बैठ जाइए आप, आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के खुदाई से 1945 में
पुरातात्विकों को एक रोमन बस्ती मिली है अरिकमेडू से। अरिकमेडू तमिलनाडु में है, बता रहे हैं, पूरा बात बता रहे हैं, सुनिए ना। तमिलनाडु में है, राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो तमिलनाडु में है, और केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में देखें तो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश तो तमिलनाडु में ही पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में जब आप जाकर के देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि प्राचीन काल में जो है चोलों का शासन हुआ करता था। चोलों का शासन हुआ करता था, और चोलों का प्रमुख बंदरगाह नगर हुआ करता था अरिकमेडू। अरिकमेडू हुआ करता था, और अरिकमेडू बंदरगाह से रोमन साम्राज्य को व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। अरिकमेडू बंदरगाह से चोल काल में जो है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। तो रोमन साम्राज्य से जो व्यापारी आते थे वो सबसे पहले अरिकमेडू बंदरगाह पर ही उतरते थे, और यहाँ पर जो है रोमन साम्राज्य के व्यापारियों ने अपना एक बस्ती बनाया था। जब 1945 में जाकर के पुरातत्वविदों ने खुदाई किया तो यहां से रोमन बस्ती के प्रमाण जो है आपको देखने को मिले हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा अरिकमेडू। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत जो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है उसमें एक बांग्लादेश है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर दूसरा सबसे लंबी सीमा चीन के साथ 3488 किलोमीटर, तीसरा सीमा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, चौथा सीमा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और पांचवा म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, छठा भूटान 699 किलोमीटर, और सातवां अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब इसमें जो सीमा बनाता है उसको आरोही क्रम में सजाना है, अर्थात बढ़ते क्रम में सजाना। आरोही मतलब बढ़ते, इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझ गए? तो देखिए क्या होगा, बी होगा, नेपाल पाकिस्तान चीन और नेपाल 1751, पाकिस्तान 3323, चीन 3488, बांग्लादेश 4096। हाँ सही तो है, बढ़ तो रहा है, 1751 से आगे बढ़िएगा 3323, फिर 3488, फिर 4096, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बी नेक्स्ट अगला है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एक बात सीधा ध्यान में रखिए, याद रखिए, संसद, अगर बात संसद की जाए तो संसद जो है उच्चतम न्यायालय के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता है। संसद उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, लेकिन कटौती या कमी नहीं कर सकता। किसी भी सिचुएशन में कटौती या कमी नहीं कर सकता है। तो बताइए, ए नंबर सही है या गलत, दो नंबर सही या गलत, गलत, तीन नंबर सही या गलत, सही, आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। आगे विचार कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ जिन्होंने अकाल पीड़ितों को सहायता किया, सही है। इन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं, यह प्रतिबंध लगाया था सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि सिकंदर लोदी लगाया था। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल एक। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो रूपसी हवाई अड्डा है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम, असम राज्य में।
74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में किसी भी राज्य हेतु कितने प्रकार के नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी? 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है किसी भी राज्य हेतु तीन प्रकार के नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी। एक नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम। समझ गए? तीन। देखिए, जो गांव शहर में परिवर्तित हो रहा है वहां पर नगर पंचायत, जो छोटे शहर है सुपौल जैसे छोटे शहर के लिए नगर परिषद, पटना जैसे बड़े शहर में नगर निगम। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में किसी भी राज्य हेतु तीन प्रकार के नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और जो 74वां संविधान संशोधन है यह लागू 1 जून 1993 को हुआ है। यह लागू कब हुआ है? 1 जून 1993 को लागू हुआ है। इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और इसके तहत जो है आपको नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नगर पालिका को काम करने के लिए टोटल 18 विषय दिए गए थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? सल्तनत कालीन विषय और कर, स्वराज। का हुआ? यहां पर स्वराज ना है, खराज है। और यही बोल रहे थे तो हम तो सुधरवाते हैं आपको। स्वराज नहीं होगा, यहां पर खराज हो। सुनिए एगो बात गुरुजी लोग, देखिए एगो जजिया है, एगो जकात है, एगो खराज है, एगो उस्र है। देखिए, जजिया गैर मुसलमान से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान न है, यानी जो हिंदू है या अन्य समुदाय के हैं। जकात मुसलमान से लिया जाता था, मुसलमान जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब जो है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जब इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे तो उन्होंने मुसलमानों को 5 बात का पालन करने को कहा था। जैसे महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा, वैसे ही जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जो है 5 बातों का पालन करने को कहा था इस्लाम धर्म के अनुयायियों को। जिसमें एक बात पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने यह कहा था कि प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना है। लेकिन कितना मुसलमान 5 बार नमाज अदा करता है? एक बात ये। दूसरी बात, तीर्थ यात्रा पर जाना है, हज की यात्रा पर जाना है। तीसरी बात, जकात निश्चित तौर पर देना है। समझ गए? जकात निश्चित तौर पर देना है। तो जो जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, धार्मिक कर और जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। फिर खराज, खराज की अगर हम लोग बात करें तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। और उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखिएगा, इसमें एक जो है होता था खुम्स। खुम्स अगर बात खुम्स की करे तो युद्ध में लूटे हुए धन पर जो टैक्स लिया जाता था उसी को खुम्स कहा जाता था। एक होता था खिदमित, एक क्या होता था आपको? खिदमित। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब एक शासक दूसरे शासक को पराजित कर देता था
तो दूसरे शासक को पराजित करके उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेता था तथा उसको कहता था कि आप हमारे अधीन है तो आप हमको टैक्स दीजिए। तो पराजित राजाओं से जो जीते हुए सुल्तान कर लेता था उसी को खिदमित कहा जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया और रामचंद्र देव से खिदमित लिया। रामचंद्र देव से जो कर लिया वही कर खिदमित कहलाया। क्या कहलाया? खिदमित। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब इतना पर आपका आंसर क्लियर होगा। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व सही या गलत? सही है। खुम्स लूट या युद्ध से प्राप्त धन सही या गलत? जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व? नहीं ना जी, मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व है उस्र। जकात क्या है? जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। तो ये गलत ना है ना जी? बोलिए ना, गलत है ना? खिदमित पराजित राजाओं से लिया जाने वाला राजस्व कर। हाँ, एक दो और बात समझ में आया। जनजाति है और मूल राज्य है, कौन जनजाति कौन राज्य में मूल तौर पर बसती है? थारू। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान। ऐसे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है राजस्थान। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ऐसे पंजाब में भी पाई जाती है। मुंडा झारखंड। चार एक दो तीन, कुल 11 मूल कर्तव्यों में, देखिए कुल 11 मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं हुआ करता था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। जब मूल कर्तव्य शामिल किया गया था तो 10 मूल कर्तव्य था, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और मूल कर्तव्य की संख्या जो टोटल 11 है उसमें 11 के 11 मूल कर्तव्य ये है। पहला मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा है, देश की रक्षा करे। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है, हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नवा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। दसवां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और ग्यारहवां है, माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यही 11 मूल कर्तव्य है। अभी इस 11 को पढ़ के हमने आपको सुनाया है, अब उस आधार पर आप बताइए आंसर क्या होगा। ए होगा। इसकी चर्चा कहीं 11 में है? बाद बाकी BCD की चर्चा है ना जी। आंसर ए। आगे निम्नलिखित में से किस एक मध्यकालीन शासक ने गिरनार पहाड़ी की तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना तथा लोग इसे जर बक्स स्वर्ण दान करने वाला के नाम से पुकारते हैं? देखिए गिरनार पहाड़ी गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। गुजरात के गिरनार पहाड़ी में मुस्तफाबाद नामक शहर को बसाया था महमूद बेगरा। कौन बसाया था? महमूद बेगरा। आंसर मोहम्मद बेगरा होगा, सॉरी मोहम्मद बेगरा। मोहम्मद बेगरा गुजरात का शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71। दीवानी मामलों में न्यूनतम कितने रुपये मूल्य की जायदाद के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? कम से कम 5000। 5000।
विजयनगर के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में किन तीन राज्यों ने संगठन बनाकर के आक्रमण किया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों साम्राज्य आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहता था। उसके लड़ने झगड़ने का कारण था तीन उपजाऊ क्षेत्र, रायचूर दोआब मराठावार प्रदेश, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र। यही तीन क्षेत्र को लेकर के जो है विजयनगर बहमनी साम्राज्य हमेशा लड़ते झगड़ते रहता था। पहले बहमनी साम्राज्य का ही विघटन हो गया, बहमनी साम्राज्य पांच प्रांत में बट गया था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर, समझ गए, पांच प्रांत में बट गया था। बाद में जाकर के विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध से हुआ, और जो तालिकोटा का युद्ध है यह युद्ध 1565 में हुआ था। तालिकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, और इसी युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य लड़ रहा था तो दूसरे तरफ जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये तीनों एक है करके लड़ रहा था, और एक तरफ विजयनगर अकेले था, जिस वजह से इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए, कथन ए, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की वजह निम्न दाब पट्टिका होती है। हाँ, होती है, सही है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, भूमि पर भी अस्थायी हो सकता है या महासागरीय भाग में भी अस्थायी हो सकता है, ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। यहां पर अब आप समझिएगा थोड़ा सा, पृथ्वी, जो पृथ्वी है, अगर बात आप पृथ्वी की करेंगे तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है। पृथ्वी को जो 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है उसमें एक है विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, क्योंकि गर्मी यहां पर अधिक होता है, इसलिए लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। फिर आपको उत्तरी गोलार्ध में जब आप 60 से 65 डिग्री के बीच जाएंगे तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, और फिर आप 85 से 90 डिग्री के बीच में जाएंगे तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट क्या पाया जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट। तो 60 से 65 डिग्री में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी आएंगे तो 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, 60 से 65 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, 85 से 90 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, सेम चीज है। तो पृथ्वी को यही 7 वायुदाब पेटी में बांटा गया है, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। आगे, बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण था कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, हां, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग, हां, असंगठित अफगान शक्ति, हां, आंसर उपर्युक्त सभी। देखिए, बाबर किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी वंश का था, और लोदी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगानी मूल वंश का था, हां या ना? और आप याद कीजिए, लोदी वंश में 3 गो शासक हुआ है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने अपने सरदारों का सम्मान किया, लेकिन बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने अपने सरदारों का सम्मान किया लेकिन इब्राहिम लोदी क्या कहा करता था? इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है, और इब्राहिम लोदी ने जो है आपको सरदारों का दमन किया, जिस वजह से जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया तो उस समय पूरा का पूरा अफगानी सत्ता जो है असंगठित हो चुका था, जिस वजह से इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगर अफगानी सत्ता एक हो करके लड़ती, अगर इब्राहिम लोदी को उसके सरदार साथ देते तो फिर इब्राहिम लोदी पराजित नहीं होता और भारत में मुगल वंश स्थापित नहीं होता। खैर, जो ये तो कल्पना है,
जो हो गया वही इतिहास है, उसी को मानना होगा। ये सभी कारण है जिस वजह से बाबर जो है भारत में सफल रहा है। लो अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश, लॉरेन फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, किरुना स्वीडन में है, कोस्ताने कजाखस्तान में है। लो अयस्क क्षेत्र है, 4312 आंसर क्या हो जाएगा, सी। संघात्मक शासन का क्या लक्षण है, संघात्मक शासन में दोहरे स्तर पर सरकार, हाँ केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार, राज्य स्तर पर अलग सरकार होता है, दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन, हाँ दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन होता है, सत्ता के विभाजन है तो लिखित संविधान, हाँ आंसर हो जाएगा उपर्युक्त, सभी इनमें सभी याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इमारत और स्थान, कुतुब मीनार दिल्ली में है, हाँ है, अटाला मस्जिद अहमदाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, जौनपुर में है, जहाज महल मांडू, हाँ है मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश में पड़ता है, कौन कौन सही है, एक और तीन, अटाला मस्जिद अहमदाबाद नहीं बल्कि जौनपुर में है, यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, आर्मेनिया, आर्मेनिया में कुर्दिश लोग रहते थे। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना किस न्याय का उद्देश्य है, सामाजिक न्याय, किसका उद्देश्य है, सामाजिक न्याय। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी, देखिए ध्यान दीजिएगा, चोल शासकों में सबसे महान चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता, शैलेंद्र साम्राज्य अर्थात इंडोनेशिया को जीता, बंगाल को जीता। जब राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को जीता तो बंगाल विजय के उपलक्ष्य में ही राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर के बगल में गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर को बसाया और गंगईकोंड चोलदेव की उपाधि भी धारण की। तो आपसे पूछा जा रहा है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की है, तो राजेंद्र प्रथम ने। यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने कहा है, वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है, अरस्तु, अरस्तु। उपाधि और संबंधित वर्ग, वल्लाल धनी किसान को कहा जाता था, सही है, अरसर शासक वर्ग को कहा जाता था, सही है, कडेसियर खेत मजदूर को कहा जाता था, सही, आंसर डी, एक दो और तीन। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, मानवेंद्रनाथ रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, एमएन रॉय। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है, यूनानी चिकित्सा संस्थान बंगलुरु में है, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई में है। 4321 आंसर सी होगा, याद रख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देश नहीं है, देखिए जो सार्क है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है, इसमें सदस्य देश है आठ, जो आठ सदस्य देश है, भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, श्रीलंका, मालदीव, यही आठ सदस्य देश सार्क में है, इस आठ के अलावा अन्य कोई नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, म्यांमार, आंसर डी होगा। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1924 में, कब हुई थी, 1924। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए दिया जाता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। धन्यवाद सभी लोगों का, इससे आगे मिलेंगे अगले टेस्ट में, लड़की लोग इधर से निकल जाइए।
यहाँ पे कोई है जी? हाँ आ जाइए लड़की।